नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। 2019 चुनाव की हवा बदलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की तैयारियां इस वक्त जबरदस्त हैं। पश्चिम की हवा बदलेगी इस रैली से और तैयारियां देखकर आप अंदाजा जरूर लगाएंगे। ये तस्वीर देखिए, ये बड़ा सा पंडाल, कई सौ मीटर ये पंडाल, देखकर आप समझ सकते हैं कितना बड़ा पंडाल लगाया गया है। यानी जब यहां पर जनता होगी तो जबरदस्त संख्या में होगी। यानी इस बार प्रधानमंत्री ने पूरी तैयारियां कर ली हैं कि लाखों की संख्या में यहां पर लोगों को जुटाना होगा और उसके जरिए ये संदेश देना होगा कि 2019 में वही हवा तैयार की जाएगी जिस हवा का जिक्र 2014 में हुआ और जिस हवा के जरिए उन्होंने सत्ता हासिल की। आप देख सकते हैं कि हजारों कुर्सियां यहां पर नजर आ रही हैं, कई हजार कुर्सियां इस वक्त यहां पर रखी गई हैं और लगातार काम जारी है। कई जेसीबी मशीनें यहां पर काम कर रही है साफ सफाई का, मिट्टी भराव का। और पीछे अगर वहां आपको दिखाएं तो उधर की साइड जो है मंच का काम चल रहा है, प्रधानमंत्री के मंच का, जहां पर तमाम मंत्री होंगे, मुख्यमंत्री होंगे और उस मंच के जरिए वो संबोधित करेंगे तमाम जनता को। आपको बता दें जो जगह है, ये जगह नानोता में आती है, सहारनपुर में नानोता पड़ता है, वो ये उस जगह पर ये रैली हो रही है। और सबसे बड़ी बात कि कैराना और सहारनपुर के बीच इस रैली को किया जा रहा है। यानी आप समझ सकते हैं कि मेरठ से लेकर और हरिद्वार तक तमाम जिलों में इस रैली की जो है गूंज जाएगी और इस रैली के जरिए लोगों को संबोधित किया जाएगा, उनसे वोट मांगने की अपील की जाएगी। तमाम लोग हमारे साथ भी यहां जुट गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या देखते हैं जी, प्रधानमंत्री की इस रैली से क्या वाकई हवा बदलेगी और पश्चिम में मोदी वो करिश्मा कर पाएंगे जो 2014 में किया था? बिल्कुल सर, ऐसा ही होगा। क्या कैराना जो सीट बीजेपी हार चुकी है उस सीट को वापस ले पाएंगे? दोबारा ले पाएंगे अटके फिर, क्योंकि सहारनपुर और कैराना की सीट और उसके अलावा मेरठ की बात की जाए, मुजफ्फरनगर की बात की जाए और बात अगर हरिद्वार तक की जाए तो क्या मोदी इन सीटों को जीतने में कामयाब होंगे? जीतने में कामयाब होंगे जी, मोदी जी जीतने में कामयाब होंगे। आपको क्या लगता है जो काम किए हैं वो सही किए? बहुत ठीक काम किया जी उन्होंने, आने वाले में भी ऐसा ही होता रहेगा तो बहुत बढ़िया हिसाब बनेगा, बहुत बढ़िया हिसाब बनेगा। आप क्या देख रहे हैं जी, आप भी जो है बाइक रोक के यहाँ पर आ गए हैं, आपको क्या दिखाई दे रहा है इस रैली के जरिए, क्या कुछ होने वाला है? भैया इसी पार्टी में हम तो जो है जी प्रदीप चौधरी को वोट दे रखा और आगे भी उसी देंगे, इसे देखने की वजह से हमारा कितना बड़ा प्रोग्राम होगा हमारा। अच्छा, तो आप इस प्रोग्राम को अभी से देख रहे हैं? जी 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 देख रहे हैं। आप क्या कहेंगे जी, कहाँ से आए हैं? हम सोनार्जुनपुर से आए जी, कोरी समाज से हैं, पूरा कोरी समाज, कराना सीट पे सब भाजपा के साथ है, मोदी के वोट डालेंगे सब। अच्छा, आपको लगता है वो हवा दोबारा से बन पाएगी जो 2014 में बनी थी? उससे भी अच्छी बनेगी जी। कह रहे हैं कि तमाम जो काम हुए, जीएसटी की बात की जाए, नोटबंदी की बात की जाए, उससे लोगों को दिक्कत आई है, क्या ऐसा हुआ? अरे कोई दिक्कत नहीं आई, ये तो देखो जब कोई काम करेंगे तो दिक्कत थोड़ी सहल करनी पड़ेगी आदमी को, क्यों जी? क्या लग रहा है राहुल गांधी और गठबंधन के चक्र को मोदी तोड़ पाएंगे इस रैली के जरिए? बिल्कुल तोड़ पाएंगे, तोड़ पाएंगे। नाम बेटा आपका? चित्राक्ष। चित्राक्ष अरोरा। यहाँ पे आप क्यों रुके, क्या देख रहे हैं यहाँ पे, क्या होने वाला है? यहाँ पर मोदी आएगा 5 अप्रैल को। कौन है मोदी जी? मोदी जी प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जी। हाँ, कैसा रहा, कैसा लगा आपको मोदी जी का काम? बहुत अच्छा। क्या अच्छा लगा आपको? कि उन्होंने यहाँ पे सड़क बनाई है, हाईवे बनाए हैं। अच्छा, ये आपको किसने बताया कि अपने आप देख लिया? बताया। बताया आपको? क्या पता है जी, मोदी जी को जानते हैं? कौन है वो? देश के प्रधानमंत्री। देश के प्रधान। आपका क्या नाम है? आदित्य। आदित्य, इस बार राहुल गांधी मोदी में कौन जीत सकता है? मोदी। मोदी जीतेंगे, आपको क्या लगता है? मोदी जी जीतेंगे। मोदी जीतेंगे, क्यों जीतेंगे? क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे काम करवा रखे हैं। अच्छा, आपको अच्छा लगा जी? क्यों जी, कैसा मुकाबला है इस बार? राहुल गांधी गठबंधन जबरदस्त तरीके से ताल ठोक रहा है, तमाम सीटों पर समीकरण बिगाड़ रहा है। चारों तरफ भाजपा है यहाँ तो। अच्छा, पूरे यूपी में? सब यूपी में भाजपा 74+। पिछली बार 73 था, इस बार तो आंकड़ा बहुत कम जा रहा है, 74+ है। आप भी लोग तो बता रहे ना कम? हम क्या बता रहे, तो रिजल्ट हम बता रहे ना, बता दे रिजल्ट, हमने अभी बता दिया। गठबंधन से डर है क्या बीजेपी को? बिल्कुल भी डर नहीं है, तो गठबंधन नहीं, ठग बंधन है। और क्योंकि प्रधानमंत्री सबके विकास की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास,
इसलिए सब लोगों ने नरेंद्र मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने की शपथ ली है और पुनः देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे, ऐसा पूर्ण विश्वास है जनता। गांधी कह रहे हैं कि चोर है, चोरी कर ली। जो आदमी गलत होता है उसे दूसरे गलत नजर आते हैं। ये तो पूरा देश कह रहा है कि देश का प्रधानमंत्री सबके लिए एक तरह की बात करता है, इसलिए चोर तो हमेशा चौकीदार का काम कर रहा और लगा भी दिया कि 3 बजे सुबह के 3 बजे थे और चौकीदार जाग रहा था। पुलवामा की घटना आप लोगों को विदित है कि वहाँ पे किस तरह से उन्होंने सजीरा स्ट्राइक करके पूरे देश का अपने विदेशों तक सम्मान बढ़ाया, ऐसे नरेंद्र हमारे प्रधानमंत्री। लोग ये भी कह रहे हैं कि वो तो सेना का काम था, उसके जरिए वोट बांटने का, वोट लेने का काम भी मोदी कर रहे हैं क्या? ऐसा पहले भी, अगर देश के प्रधानमंत्री सोते रहे तो मिलिट्री क्या करेगी? आपने देखा होगा पहले भी कि मिलिट्री का किस तरह से उत्पीड़न होता था, अब तो सारा सम्मान कार्य किया जा रहा है और पुनः देश की जनता ने मन बना लिया है कि देश की कमान माननीय नरेंद्र भाई मोदी को ही सौंपी जाएगी, नरेंद्र मोदी को ही सौंपी जाएगी। आपको क्या दिख रहा है जी, पश्चिम में कुछ खेल हो पाएगा कि कैराना फिर जाएगा? नहीं जी, कराना तो जीतेंगे। सहारनपुर में भी समीकरण जबरदस्त है। हाँ जी, बड़ी सारी सीटें निकलेगी जी, सारी निकले जी बीजेपी के। जी आपकी क्या राय है, रोजगार दे पाए 2 करोड़ की? नहीं, हम तो खुद रोजगार में हैं। सेना में जो स्थिति पहले, सेना के जवान हैं, सेना में जो स्थिति पहले जवानों की थी, आज सेना का हर जवान सर उठा के चलता है जैसे हम चल रहे हैं। अच्छा, गर्व महसूस हो रहा है? महसूस होता है, जब से नरेंद्र मोदी आए हैं तब से ही सेना का गर्व ऊपर होने लगा। और अब आपने देखा होगा सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह जितने देखे होंगे, ये सब मोदी के बाद हुई है। थ्री हैंड्स हो गई सेना, हैंड्स हो गई सेना अभी गर्व के साथ। ट्रेनों में चलो, कहीं पे भी चलो, आप देख सकते हो कि सेना का जवान हर जगह गर्व के साथ चलता है। ये सब किसकी देन है? सब नरेंद्र मोदी की देन है। तो 2019 रिपीट कर देंगे आप? रिपीट बिल्कुल करेंगे जी। हम सब हमारे उससे नहीं, सब लोगों का, हम चारों तरफ घूमते हैं हिंदुस्तान के, एक कोने से दूसरे कोने तक जाते हैं, हर जगह जहाँ भी पूछते हैं कि किसका, सब नरेंद्र मोदी का नाम लेते हैं, नरेंद्र मोदी का नाम लेते हैं। तो जनता जो है बड़ी आश्वस्त है यहाँ पर इस रैली के जरिए। ये भी बात है कि बदलाव आएगा और जनता का कहना है कि मोदी ने जो है देश को गर्व महसूस करने के लिए दिखा दिया। सेना भी इस वक्त खुश नजर आ रही है। आपको क्या लगता है, अपनी राय जरूर दीजिए, साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अपने सहयोगी सार्थक शर्मा के साथ नवीन चौहान, ननोता, हेडलाइंस इंडिया।